असलामुअलैकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो में मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और नए देखने वाले व्यूअर्स ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। फ्रेंच फ्राइज़ बड़ों को भी पसंद होते हैं और बच्चों को भी, और बहुत अच्छे और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे हम घर में। क्या आप बाहर के फ्रेंच फ्राइज़ खाना भूल जाएंगे? हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये आलू हैं, इनको हमने ऐसे लंबा लंबा काट लिए। जिस तरह आपको सहूलत हो, आप जैसे काट सकें वैसे काट लीजिएगा। मार्केट्स में बहुत सारी मशीन्स मिल रही हैं, मैंने इस मशीन के ज़रिए से ये काटे हैं। सिर्फ आपको आलू का इंतखाब करना होगा कि आलू किस तरह का लेना है। इस तरह के लंबे साइज़ के आलू लीजिएगा, जितने लंबे होंगे उतने लंबे फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। ये हमने लंबे साइज़ का आलू लिया था इसलिए इतने लंबे फ्रेंच फ्राइज बने। यहाँ हमने एक आलू लिए, छिलके समेत अच्छी तरह धो लिया। उसके बाद हमने छिलका उतार के फिर एक दफ़ा धो लिया है। उसके बाद हमने जब इसको कटिंग कर लिया है तो तीन दफ़ा हमने नॉर्मल पानी से धोया है और इसको अब हमने ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखा। यहाँ हम आलू को पानी से निकाल लेंगे, अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, किसी और बर्तन में निकाल लेंगे या इसका पानी गिरा दीजिएगा। ये हमने आलू में से पानी निकाल दिए। अब आप या तो पेपर टॉवल ले लें या किचन टॉवल ले लें, जो भी आपको आसानी से मिले। हमने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिए, इसके ऊपर हम ये जो आलू है इसको ऐसे ऐसे फैला दें, सारे इसी तरह फैला दीजिएगा। हमने तो यहाँ एक आलू के लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये हमने फैला दिया, इसके ऊपर से आप एक और टिश्यू पेपर ऐसे रख दीजिएगा ताकि ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे नीचे ताकि ये पानी एब्जॉर्ब कर लें। अच्छा, 2 मिनट बाद हम इसे उठा लेंगे, लेकिन काफ़ी पानी इन्होंने जो है टिश्यूज ने एडजस्ट कर लिए। अच्छा, इसमें से हम आधे आपको जिसे हम नॉर्मल वे में घर में बनाते हैं उस तरह बना के दिखाएंगे, और आधे हम जो मेथड आपको सिखा रहे हैं मैदे का, आधे हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे ताकि आपको दोनों का फ़र्क नज़र आए कि कॉर्नफ्लावर के साथ बन के आलू कैसे लगते हैं और जो हम घर में बनाते थे वो कैसे लगते हैं। सबसे पहले हम आपको ऐसा मेथड सिखाएं कि आप जो है फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद आप बाहर के फ्रेंच फ्राइज खाना भूल जाएंगे और जो हम नॉर्मल घर में बनाते हैं वो बना के दिखाएंगे ताकि आपको फ़र्क पता चले। अच्छा, ये हमने अच्छी तरह इनको सुखा दिया। आप किसी भी चीज़ से, टॉवल से या टिश्यू पेपर से या ऐसे ही आप बिछा के हवा में पंखा खोल के आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिखाने का मकसद था तो इसलिए ज़रा जल्दी हम यहाँ हम इसके अंदर एक एक चम्मच करके कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया। यहाँ हमने तेल को अच्छी तरह गर्म कर लिया पहले से। अब इसमें हम फ्रेंच फ्राइज डालेंगे। थोड़ा सा एहतियात से डाला करें ताकि बाजू का होता है तो छींटा आने का खतरा होता है, इसमें डर रखना नहीं। मीडियम आंच कर दीजिएगा, इनको एक तरफ से गोल्डन होने दीजिएगा, उसके बाद इसको हम पलटेंगे। ये गरम दाल के साथ ही अगर हम चमचा चलाएंगे तो कॉर्नफ्लावर उतर जाएगा, इसलिए मैंने किस साइड से कर दिए थे, इस साइड से हैं, इसे हम पलटेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी जाए। कुछ लोग गोल्डन खाते हैं और कुछ लोग वाइट वाइट पसंद करते हैं, तो मुझे ज़रा गोल्डन पसंद है तो मैं थोड़े से गोल्डन करूँगी, वरना आप लोग इस स्टेज को निकाल सकते हैं। दोनों तरफ से करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों तरफ से बन चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं, तो आप ये देखें आराम से इसे निकाल सकते हैं।
तो आप इसे स्टेक से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गोल्डन पसंद है, मैं थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा। तेल का काम करते हुए कभी हाथ पे तेल के छींटे भी पड़ जाते हैं, तो अगर कभी ऐसा हो तो आप फौरन कच्चा घी लगाइएगा, इससे आपको छाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि किचन में घी हर वक्त होता है, तो आप कच्चा घी यूज़ करें, आपको छाले नहीं पड़ेंगे। अच्छा, ये अब हम यहाँ से फ्रेंच फ्राइज निकाल लेंगे। ये हमने फ्रेंच फ्राइज निकाल ली, ये देखें इसकी कितनी आवाज़ आ रही है, ये देखें खाना। अब हम आपको नॉर्मल तरीके से जो हम घर में करते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कि हमने आलू रखे थे, इनको हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपली ये आलू हमने लिए, सिंपली ये आलू लिए और ये आलू लिए हमने, ये तेल में डाल दिए। इसके ऊपर हमने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं लगाया था, हाँ अलबत्त ठंडे पानी में ज़रूर रखा था हमने, नमक लगा के सर। इसको आप हाथ चम्मच मार सकते हैं, लेकिन जो कॉर्नफ्लोर वाले होते हैं उनको आप ज्यादा चम्मच में ही मारिए। ये देखें दूसरे वाले फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं, जिसे हमने कुछ भी नहीं लगाया था और फ्राई किया था, ये निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये कॉर्नफ्लोर के साथ बनाए थे, देखें कितने फंसते हैं, उनको जब हम उठा के फेंक भी रहे हैं तो इनकी आवाज़ आ रही है। उन्हें आप टमाटर केचप के साथ दें, चिली केचप के साथ खा सकते हैं, चाट मसाला ऊपर से डालें, स्प्रिंकल करें और मिक्स करें और खाएं। और ये बगैर हमने उसके बनाए, ये देखो देखो बिल्कुल नरम से हैं और आराम से टूटते हैं। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं, इसके ऊपर हमने चाट मसाला डाला, आप साथ भी सर्व कर सकते हैं, और नमक डाला है हमने, थोड़ा सा नमक डाला और चाट मसाला डाला। नमक आप इसमें इस्तेमाल शुरू में मत कीजिएगा, वरना जो है फ्रेंच फ्राइज मुरझा जाते हैं अगर हम नमक यूज़ करने पहले, तो जब बन जाए तो आप ऊपर से नमक डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी डालना चाहते तो चाट मसाला डालें, बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपके सामने दोनों तरीके बना दिए हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के, जो हम अमूमन घर में इसी तरह ही बनाते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट टाइप का स्टाइल है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर जल्द किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।